जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल मैक इंडिया टेक में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो WCL यानी कि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा जो आई भर्ती के बारे में, वो भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा की जो एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई है उसके बारे में। और ये फ्रेंड्स जो है हमारा कोल इंडिया के तहत ही एक सब्सिडरी है जिसके द्वारा एक अच्छी खासी एक्ट अप्रेंटिस भर्ती आई। इससे अगर एक्ट अप्रेंटिस कर लेते हैं तो भविष्य में अगर किसी तरह की WCLs में भर्ती आती है तो आपको बहुत सारी इसमें बेनिफिट मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशंस को देखते हैं और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है और कितने साल की अप्रेंटिस होगी, स्टाइपेंड्स के रूप में कितने मिलेगी और कितने साल की होगी, ये सारा चीज़ देखेंगे। और लास्ट डेट इसका कब है फॉर्म भरने की, इसकी लास्ट डेट कब है वो भी देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें ताकि WCLs के द्वारा और कोई भी कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोई भी अपडेट आती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद। अब देखते हैं आगे जो हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में है और जो है हम लोग ग्रेजुएट और डिप्लोमा की जो नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो अलग अलग नोटिफिकेशन इसका जनरेट किया गया है, तो आइए देखते हैं उस नोटिफिकेशन को। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं और देख पा रहे हैं ये जो है नोटिफिकेशन हमारा 28/10/2022 को ही पब्लिक कर दिया गया था, बट इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है देखेंगे हम लोग कि 7/11/2022 से होगी। और ये जो इसका एडवर्टीजमेंट्स नंबर दिया गया, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ये एक्ट अप्रेंटिस है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, जिसमें कि हमारा जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए हम लोग को फुल टाइम डिग्री कोर्सेस या BA/BTECH होना चाहिए, वो भी माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ओनली माइनिंग से होना चाहिए। और दूसरी बात करेंगे हम लोग डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा भी सेम टू सेम वही चीज़ है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर होनी चाहिए तभी आप इस पर एक्ट अप्रेंटिस कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ जो है हमारा बोलता है कि 28/2/2020 से पहले पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशंस कर दिया गया है कि 28/2/2020 से पहले की पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो है हमारा ये कह रहा है कि किसी भी तरह से हमारा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मतलब ये कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल इन एनी वन ऑफ दिस केसेस। अगर आप 28/2/2020 से पहले पास आउट है तो आप इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं, और अगर पीछे भी इस तरह की प्रोग्रामिंग में जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और हु हैव्स अंडरगोन्स प्रेजेंटली अप्रेंटिस, और अभी जो प्रेजेंट में कोई कर रहे हैं अप्रेंटिस वो भी इसको नहीं कर सकते हैं। और या तो कोई आप WCLs या कहीं पर आप एम्प्लॉय हैं तो आप इसको अप्रेंटिस नहीं कर सकते। तो इसमें इस सारा चीज़ आप लोग को दे दिया गया, देख लीजिएगा। और फिर मेंस एज की बात करेंगे तो यहाँ पे एज रखा गया है कि जो 18 साल कंप्लीट नहीं किए गए हैं वो भी इसको नहीं कर सकते हैं, और जो मेडिकल्स में फिट नहीं पाए जाएंगे वो भी इसको मतलब एक्ट अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं। जो मांगा गया उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एक्ट अप्रेंटिस जो करेंगे ग्रेजुएट वाले को 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और डिप्लोमा वाले को 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे। और उसके बाद रिजर्वेशन जो है हमारा जो ST/SC/OBC जो एज ए गवर्नमेंट रूल्स मिलती है इसमें भी वो सारे चीज़ अप्लाई होगा। और इसको किस तरह से आवेदन करना है ये हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से इसको आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। IDA वालों के लिए कुछ अलग वेबसाइट दिया गया और ग्रेजुएट और अप्रेंटिस वालों के लिए कुछ अलग वेबसाइट दिया गया, तो यहाँ से आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। ये था फ्रेंड्स जो है आवेदन करने की प्रक्रिया। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देख सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगी जिसमें कि जो मार्क परसेंटेज आया जाएगा ऑप्टेंड किया जाएगा उसके हिसाब से जो इसका अच्छा मार्क्स होगा उसी को सिलेक्शन किया जाएगा, और अगर किसी कैंडिडेट का इक्वल हो जाता है तो उसका सीनियरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये था हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया। आप लोग भी इसको मतलब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या मांगा जा रहा है और कैसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग कांटेक्ट कितने साल की होगी, 12 मंथ की होगी, ये सारा चीज़ इसमें मेंशंस कर दिया गया। जनरल्स इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आपको जो है बैंक डिटेल्स ईमेल्स जीमेल देना है, उससे क्या होगा आपको कि किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन जाएगी तो आपके जीमेल पे जाएगी। और ये उसमें जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जैसे कि ग्रेजुएट का, डिप्लोमा का और आधार कार्ड, बैंक रिलेटेड, ये सारी चीज़ें देनी होगी आपको और इसको फुलफिल करना। आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो अच्छी
अच्छी लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसका जो है लास्ट डेट रखा गया है 22/11/2022 तक जो है हमारा लास्ट डेट रखा गया आवेदन करने की। तो ये था फ्रेंड्स जो है डब्ल्यू सी एल्स के द्वारा एक्ट अप्रेंटिस जो भर्ती आई थी उसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दिया गया और यहाँ से आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको और हमारे और फ्रेंड्स को पता चले। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद।